कौन सी मूवी देख के आ रहे हो? हम लोग देख के आ रहे हैं छिछोरे। कैसे लगे? अरे बहुत अच्छी मूवी है। एक नंबर, थ्री इडियट्स को रिप्लेस करेगी ये मूवी। थ्री इडियट्स को रिप्लेस कर देगी मूवी। आज छिछोरे मूवी रिलीज हुई है, साजिद नाडियाडवाला का प्रोडक्शन है ये। तो इस मूवी का पब्लिक रिव्यू लेने के लिए आया हूँ मैं। लोगों से ये पूछूंगा कि उनको मूवी कैसी लगी। फिलहाल जिन लोगों ने मूवी देख लिया फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो उनसे मैं पूछूंगा उनको आउट ऑफ फाइव मूवी को कितना वो रेट कर रहे हैं, मूवी कैसी लगी, मूवी में क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया, तो ये सब चीज़ जानेंगे उनसे पूछेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं, अगर आप मूवीज़ के रिव्यूज़ देखते हैं या आप ट्रैवल के वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको छिछोरे मूवी कैसी लगी। मैं हर कमेंट को खुद पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई भी देता हूँ। तो अगर आप छिछोरे मूवी देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी। सर छिछोरे देख के आ रहे हो, कैसी लगी? बहुत मस्त मूवी थी। आउट ऑफ फाइव कितना रेट करोगे? साढ़े चार। साढ़े चार। हाँ जी। क्या अच्छी लगी मूवी में? एक्चुअली एक लाइफ दिखाई गई है दोस्तों के, जो होते हैं ना मस्ती मजाक, और कुछ सीखने को भी मिला है कि लाइफ में अगर आप अनसक्सेसफुल हो जाओ तो कभी भी ये गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, जैसे कि सुसाइड कर लेना, ये सारे कदम नहीं उठाने चाहिए। तो अच्छी है, लोगों को आके देखनी चाहिए मूवी। हाँ बिल्कुल। आपको कैसी लगी? बढ़िया लगे। आउट ऑफ फाइव? फाइव। सर मूवी कैसी लगी? अच्छी है। आउट ऑफ फाइव कितना रेट करोगे? 3.5। मूवी कैसी लगी दोस्त? बहुत अच्छी। आउट ऑफ फाइव कितना रेट करोगे? 4.5। और बाकी दोस्तों के साथ आके देखनी चाहिए? हाँ, मैं सेकंड टाइम जरूर आऊंगा। आपको कैसी लगी मूवी? ऑसम मूवी। आउट ऑफ फाइव हाउ मच वुड यू रेट? 5। आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। फाइव में कितना रेट करोगे? कैसी लगी मूवी? ऑसम। फाइव में कितना रेट करोगे आप? 5। मूवी कैसी लगी? इट वाज ऑसम। एंड आउट ऑफ फाइव हाउ मच वुड यू रेट? 5। 10। ग्रेट। 10 आउट ऑफ 5। मूवी कैसी लगी? मस्त है। फाइव में कितना रेट करोगे? 4.5। कितना रेट करोगे फाइव में? 5। मूवी कैसी लगी आपको? आउट ऑफ फाइव कितना रेट करोगे? मूवी कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया। आउट ऑफ फाइव कितना रेट करोगे? 4 से अबव। 4 एंड अबव। थैंक यू। हाउ वाज द मूवी? आउट ऑफ फाइव हाउ मच वुड यू रेट? आउट ऑफ फाइव हाउ मच वुड यू रेट? 4। थैंक यू। मूवी कैसी लगी आपको? आउट ऑफ फाइव हाउ मच वुड यू रेट? 4। थैंक यू। कैसी लगी मूवी आप? बहुत बढ़िया, सुपर ब्लॉकबस्टर। 5 में से कितना रेट करेंगे? 5 में से 5। 5 में से 5। क्या अच्छी लगी मूवी में? मूवी की स्टोरी अच्छी थी, और इसमें बताया गया है कि अगर लूज हो जाते हैं तो अपने कोशिश करते रहो, बहुत अच्छा रहा। हाउसफुल थी? हाउसफुल। थैंक यू। सौरभ बता, मूवी कैसी लगी? बढ़िया। आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे? 4.5। गाने अच्छे थे, सीन्स अच्छे थे, क्या अच्छा थी मूवी? बढ़िया है, सब बढ़िया था। थैंक यू। मूवी कैसी लगी आपको? बहुत ऑसम मूवी। गिर जाओ। आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे आप? 4.5 रेट करोगे? 5। लोगों को आगे देखनी चाहिए मूवी। थैंक यू। कैसी लगी मूवी सर? बहुत बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मूवी। मतलब जो भी बच्चा डिप्रेस हो या थोड़ा ऐसा हो उसके लिए माइंड चाहिए। आउट ऑफ 5 कितना रेट? आउट ऑफ 5। 5। ग्रेट। फुल 5। गाने अच्छे लगे? गाने अच्छे, सीन्स, कॉमेडी, बेस्ट टाइमिंग, सब चीज ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू। मूवी कैसी लगी आपको? बेस्ट। आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे? आउट ऑफ 5। 4। दोस्तों के साथ आए थे या अकेले? दोबारा आओगे देखने? जरूर जरूर आओगे। मतलब क्या है मूवी में? कॉमेडी है, रोना धोना है, क्या है? इट्स अ कॉमेडी, थोड़ा सा इमोशंस भी है। हाँ, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक सीख है जो यंगस्टर्स के लिए है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारी पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो हम पे फोर्स डालते हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं डालते, बट तो जिनके भी पेरेंट्स फोर्स डालते हैं उनके ऊपर पढ़ाई से रिलेटेड वगैरह के, तो वो बैड है और वो दिखाया है उसमें। तो अगले बार पेरेंट्स के साथ आओगे? जरूर जरूर, पेरेंट्स के साथ तो आना ही है। थैंक यू। पहले हाउ वाज द मूवी? Absolutely. Out of 5, how much would you rate? 3.5. 3.5. Yeah. अच्छी लगी? कॉमेडी अच्छी थी? कॉमेडी अच्छी थी, थीम बहुत अच्छा है, एंड स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए मोटिवेटिंग है, मतलब एक पॉजिटिव है। देखनी चाहिए लोगों को आके। देखनी चाहिए। थैंक यू। आपको कैसी लगी मूवी? वेरी नाइस। एंड वुड यू लाइक टू वॉच अगेन? Yeah, I'll definitely. अच्छा, यू विल कम विद योर फ्रेंड्स और पेरेंट्स? I'll come with my family. All right. Thank you. It's a very nice movie. Out of 5, how much would you rate? I'll give 3. Thank you. कैसी लगी मूवी आपको? गजब। 5 में से कितना रेट करोगे आप? 4.5। आप कितना रेट करोगे? इट वाज रियली अमेजिंग। आउट ऑफ 5 हाउ मच वुड यू रेट? 4.5। सो यू लाइक द कॉमेडी और द सॉन्ग्स, व्हाट डिड यू लाइक? इट वाज अमेजिंग, जस्ट सिंपली अमेजिंग। आपको कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी, बहुत कॉमेडी थी, बहुत एंजॉय करा हमने। 4.5 बहुत अच्छी थी। हमें क्या अच्छा लगा मूवी में? मूवी में कोई बड़े स्टार तो थे नहीं, अच्छा क्या लगा? स्टार्स
रिलेट कर पा रहे थे अपने फ्रेंड सर्कल में आपकी जो थैंक यू कैसी लगी मूवी आपको बहुत अच्छी थी बेस्ट आउट ऑफ फाइव हाउ मच वुड यू रेट ऑल राइट थैंक यू इट वाज अ वेरी बेस्ट मूवी थैंक यू कौन सी मूवी देख के आ रहे हो हम लोग देख के आ रहे हैं छिछोरे कैसे लगी अरे बहुत अच्छी मूवी है नंबर थ्री इडियट्स को रिप्लेस करेगी ये मूवी थ्री इडियट्स को रिप्लेस कर देगी मूवी हाउसफुल थी मूवी ऑलमोस्ट सुबह के शो के हिसाब से ऑलमोस्ट हाउसफुल था यानी एक दो आगे था स्कूल टाइम के अपना स्पोर्ट्स सारा याद आ गया वॉलीबॉल वगैरह बहुत रिलेटेबल है बहुत ज्यादा अपने ग्रुप से आप बहुत अच्छे से तो जब आप मूवी के सीन्स देख रहे थे तो रिलेट कर पाए थे कि अरे ये तो हमारे साथ भी हुआ हम तो कॉलेज में ही क्या सबसे अच्छा क्या लगा अरे जो उसमें कॉलेज लाइफ दिखाई है बिल्कुल असली में जैसे होती है बिल्कुल वैसे ही दिखाई है और एक मैसेज भी काफी अच्छा दिया है मूवी ने यानी कोशिश की बहुत अच्छा मैसेज मतलब जो लोग हार जाते हैं उनको हार नहीं माननी चाहिए एक हार से पूरी जिंदगी नहीं खत्म हो जाती है बहुत अच्छा मैसेज सारे दोस्तों के साथ आए थे अभी दोबारा फिर दोस्तों के साथ आओगे एक बार और आना पड़ेगा देखने दोस्त कम पड़ गए तो मतलब अभी छिछोरे दोस्तों के साथ आए थे या नॉर्मल दोस्तों के साथ आए छिछोरों के साथ आए थे अब सभी को लेकर आना पड़ेगा सभी को लेकर आना पड़ेगा ऑल राइट ठीक है थैंक यू हाउ वाज द मूवी आउट ऑफ 5 हाउ मच वुड यू रेट आउट ऑफ 5 हां 4.5 थैंक यू कैसी लगी मूवी यार अभी जा रहे हैं देखने अच्छा अभी जा रहे हैं देखने चलो जाओ गुड आपको कैसी लगी मूवी मूवी बहुत अच्छी थी बहुत रिलेटेबल थी मतलब कॉलेज लाइफ के ऊपर आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे मूवी को 5 आउट ऑफ 5 बहुत अच्छी तो गाने अच्छे थे या क्या नहीं थे बट उसका कंटेंट बहुत अच्छा था सबकी एक्टिंग अच्छी चल रही है जो स्टोरी चल रही है उसके हिसाब से बैकग्राउंड्स में गाने डाले थे लेकिन इतने अच्छे थे वो कि वो सूट कर रहे थे सीन्स को तो गानों की एज इट जरूरत ही नहीं है वो कास्ट भी अच्छी चूज करी थी लाइक वो सब सूट कर रहे थे वो अपने कैरेक्टर पूरी मूवी में लंबी मूवी है दो घंटे 26 मिनट की मूवी है तो कभी ऐसा लगा कि बोर हो रही हो या उठ के जाना चाहिए हमें तो इंटरवल के पता भी नहीं चला कि मूवी कब खत्म होगी मतलब लाइक उन्होंने पूरे कंटेंट को बहुत अच्छी तरह से बांध के रखा हुआ था सो इनका वो प्लस पॉइंट अच्छा था और पूरी कास्ट अपने अकॉर्डिंग सबकी एक्टिंग वगैरह सब बहुत अच्छी फर्स्ट हाफ अच्छा था सेकंड हाफ अच्छा था सेकेंड हाफ थोड़ा ज्यादा अच्छा था सेकेंड हाफ ज्यादा अच्छा सेकेंड हाफ में ऐसा क्या था जो ज्यादा अच्छा था फर्स्ट हाफ एक्चुअली क्लाइमैक्स अच्छा स्पॉइलर नहीं देना चाहते बट सेकेंड हाफ वाज बेटर क्योंकि वो थोड़ा सस्पेंस ज्यादा था फर्स्ट हाफ में इंट्रोडक्शन और वो सब बट सेकेंड हाफ ज्यादा अच्छा था कितने फ्रेंड्स आए थे आप लोग सिक्स तो अभी आपके 60 फ्रेंड है और सारे छिछोरे फ्रेंड है नहीं हम लोग एक दूसरे को वहां पे नेम कॉल कर रहे थे हम लोग ने नाम कॉल करते थे ये हमने सबको रिलेट अच्छा आप लोग सब लोग रिलेट कर पाए थे उनके कैरेक्टर से ग्रेट हम लोग नाम चेंज कर रहे हैं अपने अपने नाम चेंज कर रहे हैं दोस्तों के सब रिलेट हो रहे थे बस थोड़े कंफ्यूजन कुछ लोगों के दो दो कैरेक्टर सूट कर रहे थे अच्छा मल्टी टैलेंटेड है कुछ लोग बहुत ज्यादा आपको कैसी लगी अच्छी लगी मूवी तो आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे 5 रेट करो क्या पसंद आया मूवी में मतलब ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है कंटेंट भी बहुत अच्छा डाला था दोबारा आओगे देखने दोबारा आओगे क्यों नहीं अगर कोई दोबारा आए देखने ये मूवी तो वो बोर होगा या देख सकता है दोबारा अच्छा किसी ने मुझे बोला कि 3 इडियट्स को रिप्लेस कर देगी ये मूवी तो आपको आपको लगता है कि वो 3 इडियट्स को सही में रिप्लेस कर देगी मूवी कर सकती है सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत अच्छा काम किया अच्छा ऐसी और मूवीज बननी चाहिए या बिल्कुल मतलब ये हमारे कॉलेज लाइफ को एक्चुअली डिफाइन करती है ऐसी मूवीज अच्छा ये मूवी और अमेरिकन पाई देखा है आपने तो दोनों कुछ सेम है अलग है सेम है अलग है और ये अलग है ये बहुत मतलब वैसा मूवी नहीं है अमेरिकन पाई जैसा बट ये बिल्कुल अलग है ये बिल्कुल इसका कंटेंट ही पूरा अलग है इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आई थिंक हमारे कॉलेज लाइफ से ज्यादा रिलेटेबल है ओके अमेरिकन पाई रिलेटेबल तो इससे कौन रिलेट कर पाएंगे जो पास आउट हो चुके हैं नौकरी कर रहे हैं सब रिलेट कर सकते हैं सब हम लोग अपना करंट टाइम कर रहे हैं उनको वो नॉस्टैल्जिया आएगा कि ओ हम ये सब करते थे जिन्होंने कॉलेज अभी नहीं किया है जिनको कॉलेज करना है वो भी जो कॉलेज में है वो भी और जो कॉलेज कर चुके हैं वो भी और हमारे पापा मम्मी कर सकते हैं सब कर सकते हैं और बच्चे आगे देख सकते हैं मूवी कुछ नहीं है फैमिली मूवी है बहुत अच्छी है बच्चों को आके देखनी चाहिए ठीक है बच्चों को मैसेज मिलेगा कि एक हार इतनी ज्यादा भी मायने नहीं रखती कि आप अपनी जिंदगी उसके लिए दांव पे लगा दो तो मैसेजेस बहुत अच्छे हैं अच्छी मूवी है ग्रेट ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू
अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं, अगर आप मूवीज़ के रिव्यूज़ देखते हैं या आप ट्रैवल के वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको छिछोरे मूवी कैसी लगी। मैं हर कमेंट को खुद पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई भी देता हूँ। तो अगर आप छिछोरे मूवी देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मूवी कैसी लगी।